अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कौन का कहां। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं मुअर्रखीन के सामने एक सवाल रखता हूं। क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्ज़ेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के मुअर्रखीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़तुआत और कारनामों के मुआज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक। नाज़रीन, अलेक्ज़ेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तू जैसा उस्ताद मिला, जबकि दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सात पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुज़रा था। आप भेड़ बकरियां चराते हुए बड़े हुए और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में किसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बग़ैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और इसमें रोम और ईरान की दो सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सेटेलाइट और मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत मौजूद नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की बल्कि उसका इंतज़ाम और इंसराम भी उम्दा तरीके से सरंजाम दिया। अलेक्ज़ेंडर ने फतुआत के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल भी कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। उसके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में तो उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि उनके किसी साथी ने भी उनके हुक्म से सरताबी की जुरात न की, बल्कि वो तो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माजूल कर दिया था और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। अलेक्ज़ेंडर, जिसने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा, जेल का तसव्वुर, मुअज़्ज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर करना, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम करना, पुलिस का महकमा, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद, फ़ौजी छावनियाँ बनाना और फ़ौज का बाकायदा महकमा तरतीब देना, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद कारनामे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वक्त आप मकरूस थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सज़ा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को
भुगतना होगी। आपके अदल की यह हालत थी कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा कि मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इतला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फारूक ज़िंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने भेड़िए की जुरात से जान लिया कि आज दुनिया में उमर मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मुअर्रखीन को दावत देता हूँ कि वो अलेक्ज़ेंडर को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख कर देखें तो उन्हें अलेक्ज़ेंडर हज़रत उमर फारूक के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्ज़ेंडर की बनाई हुई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का परचम लहराया वहाँ आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं, वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्ज़ेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बनाए हुए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हैं। डाकखाने का निज़ाम हो, पुलिस का निज़ाम हो, फौजी जवान की 6 माह बाद छुट्टी हो, या फिर हुकूमत किसी बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर करती हो, ये तमाम के तमाम निज़ाम दुनिया ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तवस्सुत से हासिल किए। नाज़रीन, लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ ख़ान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस, आज चंगेज़ ख़ान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था। दुनिया आज एतराफ़ करती है कि अगर एक उमर और होता तो आज सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। नाज़रीन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए सिकंदर मकदूनी किसी तरह से भी सिकंदर आज़म कहलाने के लायक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की होगी और आप तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंच गया होगा कि हकीकत में कौन है हकीकत में सिकंदर आज़म। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।